19 फरवरी को रीवा आएंगे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, प्रेस वार्ता के माध्यम से कांग्रेस ने दी जानकारी। आपको बता दें कि बीजेपी सरकार में जिस तरह से महंगाई व बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है वह आजाद भारत में सबसे ज्यादा है, जिसके लिए भाजपा सरकार के नेता जिम्मेदार हैं। लोग प्रदेश व केंद्र सरकार की नीतियों से इस कदर पीड़ित व प्रताड़ित हैं कि उन्हें अब मध्य प्रदेश व अपने भविष्य की आशा सिर्फ कांग्रेस की नीति तथा पूर्व सीएम कमलनाथ के कार्यों से ही है। उक्त विचार कांग्रेस के संगठन प्रभारी पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी आज जनता के लिए सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या के खिलाफ 19 फरवरी को जिले के मनगवां की धरती से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जन आक्रोश रैली के माध्यम से सरकार को जगाने जंग की शुरुआत करेंगे। पूर्व सांसद ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि रीवा की धरती समाजवादियों व कांग्रेस विचारधारा की रही है, जो सदैव अन्याय के खिलाफ आवाज को बुलंद करके प्रदेश व देश में परिवर्तन की इबारत लिखी है। वहीं चिंगारी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी जी के जन्म स्थान से 19 फरवरी को जिले की जनता जन आक्रोश रैली के माध्यम से उठेगी। उक्त रैली से भाजपा सरकार की उल्टी गिनती शुरू होगी। प्रस्तुत है पूर्व सांसद एवं संगठन प्रभारी रीवा कांग्रेस प्रताप भानु से प्राप्त जानकारी के अंश। एक सप्ताह के अंतर्गत ही ये दूसरी प्रेस से चर्चा है मेरी, और ये मेरा सौभाग्य मानता हूं कि दूसरी बार मुझे कुछ आवश्यक मुद्दों पर फिर से चर्चा करने का ये सुअवसर आपके बीच में मिला है। सबसे पहले तो यह कि आदरणीय कमलनाथ जी, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, प्रदेश के हितैषी हैं, गरीबों के हितैषी हैं, उनका दौरा कार्यक्रम रीवा का, मनगवां का सुनिश्चित हो गया है। 19 फरवरी को प्रातः 11 बजे रीवा वायुयान से आ जाएंगे। 11:20 पर मनगवां पहुंचेंगे। ये मिनट टू मिनट प्रोग्राम जारी हुआ है, ऑफिशियली भी जिला प्रशासन को दे दिया है। और 11:30 से हमारी जो मंडलम और सेक्टर के अध्यक्षों की मीटिंग है, संगठन की कार्यकर्ताओं से वो भेंट करेंगे, चर्चा करेंगे, सबसे मिलेंगे। 12 से 2:15 तक, 1:45 तक वो आम सभा को संबोधित करेंगे, जो महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एक विशाल रैली का आयोजन जिला कांग्रेस कमेटी शहर और ग्रामीण के तत्वाधान में हो रही है। उसमें जिन प्रमुख मुद्दों पर वो पिछले लगातार 5-6 से उन मुद्दों को उठाते चले आ रहे हैं, और क्या उनके मन में है, क्या उनके आक्रोश है जनता के का इस सरकार के प्रति, भाजपा सरकार के प्रति, मोदी सरकार और शिवराज सरकार के प्रति, इस पर भी वो खुलकर अपने विचार रखेंगे। एक प्रतिपक्ष के जिम्मेदार नेता होने के नाते, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का संवैधानिक पद है मध्य प्रदेश की सरकार में, ये उनका दायित्व बनता है कि सरकार की असफलताओं को, जनता से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दों को वो पुरजोर तरीके से उठाएं, आम जनता को जागरूक करें, प्रशासन और जिले के मध्य प्रदेश की सरकार को सचेत करें कि उन पर सही समय पर सही फैसला करें। आज बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। मध्य प्रदेश में कह तो दिया जाता है कि 2,00,000 लोगों को रोजगार के शिविर लगा दिए, 5,00,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि 5,000 लोगों को भी रोजगार उसमें मिला होगा। दिखावा बहुत है, झूठी घोषणाएं बहुत हैं, परंतु उसका फायदा प्रदेश के नौजवानों तक पहुंचा हो, शिक्षित वर्ग तक पहुंचा हो, ऐसा देखने में नहीं आया है। बढ़ा चढ़ाकर बात करना तो हर एक के बस की बात है, पर सरकार का क्रियान्वयन मुझे ऐसा लगता है कि जिम्मेदार लोगों के हाथ में नहीं है। सिर्फ कोरी घोषणाएं करने के अलावा कुछ उनके पास है नहीं। महंगाई की भी बात करते हैं तो कभी वो कांग्रेस की बात करने लगते हैं, कभी नेहरू जी के जमाने की बात करने लगते हैं, पर ये नहीं बताते कि महंगाई के मुख्य मुद्दा क्या है, क्यों महंगाई पिछले साल 2 में सुरसा की तरह बढ़ती जा रही है।